देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है उस पे कल सुनवाई होगी। उस मामले में कल अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष अपने हलफनामे के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा, उसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बात सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकती कि जब देश के अंदर देश के सबसे बड़े चुनाव हैं, संसद के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है, उसके 5 दिन के अंतराल में देश की मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई इस मामले में करीबन 2 साल से जांच कर रही है। 2 साल, 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल की जांच में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य हो। ईडी और सीबीआई के विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, कहा है, ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, क्या सिद्धांत होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्षों से सिद्धांत है सच को बाहर लाना, सच्चाई को कोर्ट के सामने रखना, यह सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना, यह सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने साक्ष्य रखे हैं कि 1 लाख पन्नों के दस्तावेज अगर ईडी और सीबीआई को मिले और उसमें 80,000 दस्तावेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो उन दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखा गया। ऐसे दस्तावेज जो दबाव डालकर लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को उसकी जमानत का लालच देके, लोगों से पैसा लेके, लोगों को एनडीए की तरफ से टिकट का लालच देके जो गवाहियां की गई, वो गवाहियां कोर्ट के सामने रखी गई। और उससे पहले जो 10 बार गवाही दी उस आदमी ने 8 बार गवाही दी, जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी गवाहियां उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया। और जो ड्यूरेस में, दबाव में झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई, उन गवाहियों को सिर्फ कोर्ट के सामने रखा गया। ये काम ईडी और सीबीआई का नहीं है।